मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर साहब, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गर्ग साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन एमएलए, मंत्री और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी ओहदेदार और प्यारे मीडिया के साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बेहद खुशी का दिन है। आज पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसें शुरू हो रही हैं और शानदार बसें हम देख रहे हैं, एयर कंडीशन्ड बसें, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, सारी सहूलियतों के साथ, पूरे आराम के साथ, बड़े आराम के साथ लोग एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, एनआरआई हैं, वो खुद अपने गांव आते जाते रहते हैं, उनके दोस्त रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। अभी तक जब वो आया करते थे तो उनको जो बस माफिया चलता था यहाँ पे, उस बस माफिया का शिकार होना पड़ता था। एक तरफ का किराया 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये होता था, लेकिन बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं था, उनको उन्हीं बसों में जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आ गई है। पहले एक पार्टी की सरकार थी, उनकी तो बसें ही चलती थी, उन बसों से मुनाफा उनको जाया करता था, तो उन्होंने सरकारी बसें नहीं चलने दी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, उनका पुरानी पार्टी के साथ सेटिंग थी, उनको भी हिस्सा जाता होगा, उन्होंने भी सरकारी बसें नहीं चलने दी। अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर क्या बदला? अफसर भी वही, अधिकारी भी वही, सिस्टम भी वही, ऊपर के नेता बदल गए, सरकार बदल गई, ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। मेरे को अभी कैलाश गहलोत जी बता रहे थे, आज जो बसें जा रही हैं उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएमआर वालों ने भी वहाँ पे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आज पहला दिन है तो उनका भव्य स्वागत वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी किया जाएगा। और जैसे ही ये बसें दिल्ली में एंटर करेंगी तो दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम भी इनके साथ साथ चलेगी, इनकी हिफाजत के लिए, इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 मार्च को भगवान जी ने शपथ ली थी, आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूँ। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए, भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन,
कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना। मुझे बताया गया कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। अगर हम बेईमान होते, हमने ये कैसे कर दिया? क्योंकि आज एक कट्टर ईमानदार सरकार है, और ऐसी सरकार है जो कठोर निर्णय लेने से घबराती नहीं है। 2 मिनट के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कठोर से कठोर निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम बेईमान होते तो हम क्या करते? नीचे वालों को बोलते, हर दफ्तर का हफ्ता बांध देते। ऐसे ही होता था ना पहले, नीचे से तहसीलदार के स्तर पे पैसा चलता है, ऊपर चलते 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 मुख्यमंत्री तक जाया करता था। अब मुख्यमंत्री आपका ईमानदार है, सारे मंत्री ईमानदार है, कोई पैसे लेता नहीं है, कोई बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। तो ऐसे में हमने सारा सिस्टम नीचे ईमानदार कर दिया। दूसरी चीज, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दे। पहली बार हुआ है, किसी के पास सबूत नहीं था, मीडिया के पास नहीं था, विपक्ष के पास नहीं था, किसी के पास सबूत नहीं था। मान साहब के पास एक रिकॉर्डिंग आई, इन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई, पता चला कि एक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है, आप देखा ना ताव, सीधे पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। भारत के इतिहास के अंदर ऐसा दूसरा कोई हमें कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। सारे महकमों में, सारे अफसरशाही में, सारे MLAs में, मंत्रियों में, सब में मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि भैया अगर ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज सकती है तो सारे सुधर जाओ, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार के अंदर। एक और बहुत बड़ी बात हुई, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया चला करता था, SP की ट्रांसफर, SSP की ट्रांसफर, IG की ट्रांसफर, DIG की ट्रांसफर, DM की ट्रांसफर, बोली लगती थी, अब एक पैसा नहीं चलता। बिना पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई SP, कोई SSP, कोई DIG, कोई IG, कोई DM अगर पैसे देके ड्यूटी पे लगेगा, पोस्टिंग कराएगा, तो वो तो अपराधियों के साथ मिलके उन्हीं की उनसे पैसे कमाएगा, उसको तो पैसे भी तो निकालने हैं, पैसे भी तो कमाने हैं। अब कोई पैसा नहीं चलता, एक नया पैसा नहीं चलता। मेरे से कुछ पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे मिलने के लिए, बेहद ईमानदार अधिकारी, खुदे ने लगा रखा था पिछली सरकारों ने, उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। बोले जी, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई सरकार आएगी और हमको कोई फील्ड पोस्टिंग मिलेगी, हमें कोई कभी नहीं सोचा था कि ईमानदार लोगों की कभी इज्जत होगी। बोले पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो बिना पैसे लिए हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और सोचो अगर बिना पैसे लिए पुलिस वालों की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तो वो निडरता के साथ, बिना, उनको भी अब पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको खुला दे रखा है, पैसे नहीं कमाने, बेईमानी नहीं करनी, जनता की सेवा करनी है। एक और बहुत बड़ी बात, जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती, उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी सरकार को दे दी। बड़े स्तर के ऊपर कब्जे छुड़ाए गए। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले, कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में, 1 अप्रैल को मान साहब ने शिक्षा माफिया का खात्मा किया था पंजाब के अंदर, जब ऑर्डर निकाला था कि इस साल कोई स्कूल नहीं बढ़ाए, कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि कहां से किताबें खरीदनी है, कहां से
यूनिफॉर्म खरीदनी है, पेरेंट्स का जहां मन करे वहां से किताबें खरीद सकते हैं। हमने कहा था हम रोजगार पैदा करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। 25,000 नौकरियों के ऊपर भर्ती का काम शुरू हो चुका है, भर्ती का काम शुरू हो चुका है 25,000, और लगभग 26,000 कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को, जो पहले बेचारे पानी की टंकियों पे चढ़े रहते थे, उनको पक्का करने का सिलसिला चालू हो गया है और उनको जल्दी पक्का कर दिया जाएगा। इस बजट सेशन के अंदर कानून लाया जा रहा है जिस कानून के तहत उन लोगों को पक्का किया जाएगा। पहले जितने एमएलए जीत के आते थे उन्होंने अपना घर भरने के सिवा, अपने अपनी सोचने के सिवा कुछ नहीं किया, जनता की नहीं सोची। उन्होंने कहा भाई एक एमएलए 5 साल काम कर लेगा तो उसको 1 पेंशन, 10 साल काम कर लेगा तो उसको 2 पेंशन, 15 साल काम कर लेगा तो उसको 3 पेंशन। ये बड़ा अजीब सिस्टम है यार, 3-3 पेंशन। आम जनता को तो खाने को नहीं है, इनको 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही थी। हम चाहते तो इसको सिस्टम को लागू रखते, क्योंकि एक ना एक टाइम तो आएगा जब हम भी रिटायर होंगे, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमें अपने लिए काम करने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये पूरा पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया, अब चाहे कोई 5 साल काम करे, 10 साल काम करे, 15 साल काम करे, उसको 1 पेंशन मिलेगी। ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे, इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर 2 बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सरकार में बैठे होते थे। अब इनका सरकार में कोई बाप नहीं बचा, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। दूसरी बड़ी बात होती है, हुई है 3 महीने के अंदर, अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोषी पकड़ा जाता है 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में, जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराध पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था। पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोषी थे उनको पकड़ के जेल में भेज दिया। उसके बाद कबड्डी प्लेयर संदीप संधु, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। अभी मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई, कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है, जो अभी तक पंजाब सरकारें उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े उसको सजा दिलवाएंगे। मेरे को याद है 2017 का चुनाव, 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, 5 साल हो गए कोई नहीं पकड़ा गया। पहले जितने अपराध होते थे कोई नहीं पकड़ा जाता था, क्यों नहीं पकड़ा जाता था? पुलिस वाले को फोन आ जाता था, उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर कहता था इसका कुछ नहीं करना, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं आज
पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अब इनके पैदा हुए जितने गैंगस्टर हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे को बताया गया पिछले 3 महीने में 130 से ज्यादा गैंगस्टर पकड़े जा चुके हैं, 130 से ज्यादा। लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा जब गैंगस्टर साफ हो जाएंगे पंजाब से, कोई गैंगस्टर नहीं बचेगा और पंजाब के अंदर अमन चैन होगा। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था, जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था, कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके आ रहा। ये सारे सील कर दिए, कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। पहले मोबाइल फोन खूब होते थे, सारे मोबाइल फोन बंद कर दिए जेलों के अंदर से और जेलों के अंदर अनुशासन शुरू कर दिया। किसानों के लिए खूब अनाउंसमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरे दिल को छू गया वो था मूंगी के ऊपर जो एमएसपी देने का कार्यक्रम है। हमारा सपना है और मैं समझता हूं ये सपना जल्दी पूरा होगा, जो किसानों का सपना है कि एक एक फसल के ऊपर सरकार एमएसपी दे। ये सिलसिला अब चालू हुआ है। मान साहब ने ऐलान किया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी देंगे, एमएसपी पे सरकार खरीदेगी, एमएसपी पे सरकारी खरीद चालू हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के ऊपर और भी फसलों को एमएसपी पे दिया जाएगा। नशे को खत्म करने का सिलसिला चालू हो चुका है। पुलिस अधिकारियों को संदेश दिया जा चुका है कि नशे को बर्दाश्त नहीं करना, किसी को भी नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, बहुत बड़ी समस्या है, उसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हम इसको पूरा कर लेंगे। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी। पंजाब के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी सरकार को नहीं मिला, आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला। तो मैं समझ सकता हूं कि पंजाब के लोगों की हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी एक एक उम्मीद पूरी करेंगे। जो हमने गारंटी दी थी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। हमारे ऊपर बस भरोसा रखना, थोड़ा सब्र रखना। 70 साल का जो इन्होंने गंद मचाया उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 करते करते पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलके पंजाब को जल्दी रंगला पंजाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।